ओके, तो आज का टॉपिक है सेक्स लिंकेज इन मेन। इसका मतलब ये है कि जो जीन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पड़े रहते हैं उन जीन का नाम है सेक्स लिंकेज। बिकॉज हमें पता है कि बॉडी के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एक्स एंड वाई, या इंसान के टोटल क्रोमोसोम्स में 23वां जोड़ा जो 23rd पेयर है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। उसको सेक्स क्रोमोसोम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो क्रोमोसोम ये बताते हैं कि आने वाला बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, राइट? इंग्लिश में, बायोलॉजिकल वर्ड में, सेक्स का दूसरा मतलब ये भी है कि मेल एंड फीमेल दे आर कॉल्ड एज सेक्स। बाज जब आप फॉर्म्स फिल करते तो वहां पर लिखा होता है जेंडर लिखा होता है, ठीक है, तो आप लिखते हैं, बाज में लिखता है सेक्स लिखा होता है कि आप मेल है फीमेल है, राइट? तो चूंकि ये जीन जो है, ये क्रोमोसोम जो है, ये डिटरमाइन करते हैं मेल और फीमेल को, इसीलिए इसका नाम रखा गया सेक्स क्रोमोसोम। आप बात करते हैं जीन के ऊपर। ऐसे क्रोमोसोम जिसे आप लोग एक्स एंड वाई क्रोमोसोम बोलते हैं, ऐसे क्रोमोसोम के ऊपर मेल फीमेल जीन के अलावा कुछ और जीन्स भी होते हैं। लाइक अगर आप देखते हैं कि ये एक्स क्रोमोसोम है या दोनों एक्स क्रोमोसोम है या एक एक्स है एक वाई है, इन पे कुछ और जीन्स भी होते हैं और वो जो जीन्स होंगे उनका नाम क्या होगा, सेक्स लिंकेज इन मेन। वो जीन भी मुख्तलिफ किस्म के ट्रेट्स कैरी करते हैं अपने साथ। आज आपको वो जीन्स पढ़ाएंगे जो इन क्रोमोसोम्स के ऊपर सफ़र करते हैं और उनकी वजह से कई बीमारियां आ जाती हैं, राइट, उन जीन की वजह से। सो फर्स्ट वन इज एक्स लिंक्ड जीन। एक्स लिंक्ड जीन ऐसा जीन होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे पड़ा रहेगा और उसका कोई पार्टनर वाई पे नहीं होगा। ऐसे जीन को क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड जीन। और हाँ, हर जीन के पीछे कोई ना कोई करैक्टर तो होती है, हर जीन के पीछे कोई ना कोई ट्रेट तो होता है। सो जो करैक्टर या ट्रेट इस जीन के पीछे होगा उस करैक्टर का नाम क्या होगा, एक्स लिंक्ड ट्रेट। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है और हेमोफीलिया है। कलर ब्लाइंडनेस में एक शख्स क्या करते हैं, रेड और ग्रीन के दरमियान फर्क नहीं कर सकता। लेट सपोज एक शख्स है, उसके सामने आपने एक ये ग्रीन कलर है और यहां पर रेड कलर है और ऊपर जो है ब्लैक कलर है और यहाँ पर नीचे जो है ब्लू कलर है, सही? आप लोग देख सकते हैं कि कितने कलर हैं, चार कलर हैं। जो शख्स कलर ब्लाइंड होगा वो रेड और ग्रीन के दरमियान फर्क नहीं कर सकता। आप लोग तो फर्क कर सकते हैं कि ग्रीन जो है वो राइट साइड पर है और रेड जो है वो लेफ्ट साइड पर है। आप लोग फर्क कर सकते हैं, यू कैन डिफरेंशिएट, बट वो लोग नहीं कर सकते, कलर ब्लाइंड। सो ऐसे बीमारी को क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मीन द पर्सन कांट डिफरेंशिएट, द पर्सन कांट डिफरेंशिएट फ्रॉम बिटवीन रेड एंड ग्रीन। रेड और ग्रीन में जो बंदा फर्क नहीं कर सकता उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। आपके बुक में एक इस तरह का दायरा लिखा हुआ है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के कलर्स में डॉट लगे होते हैं और उनमें से इस तरह का एक नंबर लिखा हुआ है, इस तरह से नंबर लिखा हुआ है 12 जो है उसको रेड और ग्रीन डॉट से लिखा हुआ है, रेड और ग्रीन डॉट से 12 को लिखा हुआ, बाकी और बहुत सारे डॉट्स हैं। फिर आपका टेस्ट किया जाएगा, कहते हैं आप जरा इस चार्ट पे देखो आपको क्या नजर आ रहा है। अगर उसने 12 को रीड किया इसका मतलब ये कि वो नॉर्मल है, अगर उसने 12 को रीड नहीं किया तो वो जो है वो कलर ब्लाइंड पेशेंट है। कलर ब्लाइंड पेशेंट इसको रीड नहीं कर पाएगा, इस 12 को
कैसे? अगर ये जो 12 है ये ग्रीन और रेड डॉट से बना हुआ हो, आप लोग बना सकते हैं ना 12 को ग्रीन और रेड डॉट से इस तरह से। ये 2 है, ये इस तरह से, हाँ राइट। सो ये 12 मैंने क्या किया, रेड और ग्रीन से, या इसमें से एक डॉट सुर्ख है, दूसरा ग्रीन है, फिर सुर्ख है, फिर ग्रीन है, फिर सुर्ख है, फिर ग्रीन है, ये उसको नज़र नहीं आएगा ये 12 जो है। सो ऐसे पेशेंट का नाम है कलर ब्लाइंड। और आई होप आप लोग सब जो है इस वक्त देख सकते हैं, सो आप लोग सब नॉर्मल है इस केस में। अच्छा, ऐसे जीन का कोई पार्टनर वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होगा। अब अगर वो फीमेल है, एक्स एक्स फीमेल को कहते हैं, अगर वो फीमेल है तो फीमेल में दोनों के ऊपर क्या होगा, मौजूद होगा, क्योंकि ये हमेशा एक्स क्रोमोसोम में पड़ा रहेगा, वाई पे नहीं आएगा। और अगर वो मेल है तो मेल के केस में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर होगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं वाई लिंक जीन, वाई लिंक्ड जीन या वाई लिंक जीन। ये कौन सा जीन है? ऐसा जीन जो सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर मौजूद है और उसका कोई पार्टनर जीन एक्स पे नहीं होगा। जैसे कि ये एक्स वाई है, यहां पर वाई क्रोमोसोम के ऊपर जीन पड़ा होता है, इसका नाम क्या है, वाई लिंक्ड जीन, और उसका कोई पार्टनर फिर एक्स के ऊपर नहीं होगा। इसका हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। वो एग्जाम्पल क्या है, मेलनेस। जो मेल करेक्टर है, मेलनेस है, वो कौन डिटरमाइन करते हैं, वाई लिंक्ड जीन डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन। ये शायद आप लोग खुद ही मुझे बताओ कि ये कौन से जीन होंगे। ऐसे जीन होते हैं, जी हाँ, जो एक्स के ऊपर भी मौजूद है और वाई के ऊपर भी मौजूद होते हैं। ऐसे जीन को क्या कहते हैं, एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन। इसका एक और नाम भी है सीडो ऑटोसोमल। ये आम बॉडी के ऑटोसोम जीन्स की तरह होते हैं, जैसे जीन के दो पार्टनर होते हैं, सो इस तरह इसके भी दो पार्टनर होते हैं, इसीलिए उसकी वजह से इसका नाम रखा गया सीडो ऑटोसोमल। यानी ये फुल ओरिजिनल ऑटोसोमल तो नहीं है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड उसके ऊपर है, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, इसीलिए हम लोग इधर लफ्ज़ यूज़ करेंगे सीडो, क्योंकि ये ओरिजिनली ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर मौजूद नहीं है, लेकिन ऑटोसोमल क्रोमोसोम की तरह इनहेरिट होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सीडो ऑटोसोमल जीन। ये आपके कोर्स में इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन नहीं है, वाई लिंक का भी इतना ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आपके कोर्स में जिक्र है, डिटेल है, वो क्या है, वो एक्स लिंक्ड जीन है और एक्स लिंक ट्रेड्स हैं। सो एक्स लिंक ट्रेड्स में से पहला जो था आपने क्या पढ़ा था, कलर ब्लाइंड। दूसरा क्या है, हेमोफीलिया है। हेमोफीलिया फिर क्या चीज़ है, हेमोफीलिया ऐसी बीमारी है जिसमें अगर एक बार बॉडी में कहीं पे कट लग जाए, खून बहना शुरू करे, तो वो खून रुकेगा नहीं, क्लॉट नहीं होएगा, वो फ्लो करेगा। इवन बहुत सारे कंडीशन में ये फैटल भी हो सकता है। सो ऐसे बीमारी को क्या कहते हैं, हेमोफीलिया। द ब्लड डज नॉट क्लॉट आफ्टर इंजरी, सही है, ब्लड डज नॉट क्लॉट। हम लोग हेमोफीलिया को भी डिटेल में पढ़ेंगे और कलर ब्लाइंडनेस को भी डिटेल में पढ़ेंगे। आइए इस तरफ आ जाइए, कम यहां पर शुरू करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट एंड इट्स पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। आज आपको हम बताएंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। एक्स लिंक तो आपको पता चल गया, ऐसा जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर होता है। रिसेसिव ट्रेट का मतलब क्या है, एक ऐसा ट्रेट जो अपने आपको रिसेसिव हालत में शो करेगा, इसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, ऐसा ट्रेट जो अपने आप को डोमिनेंट फॉर्म में शो करेगा। सो रिसेसिव ट्रेट के लिए हमारे पास एग्जांपल क्या मौजूद है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो कैपिटल सी यानी डोमिनेंट फॉर्म में उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल है, और जब स्मॉल सी होगा तो वो कलर ब्लाइंड होगा। हम बोर्ड पे लिखने के लिए ऐसे जीन को जो है या तो कैपिटल लिखेंगे या स्मॉल लिखेंगे। कैपिटल सी का मतलब ये है कि ये डोमिनेंट जीन है और ये नॉर्मल केस है। जब स्मॉल सी आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे कि ये एक
कलर ब्लाइंड है। स्मॉल सी मींस रिसेसिव फॉर्म, आपने कई लेक्चर्स में पढ़ा है कि रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर में शो करते हैं, डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर में शो करते हैं। एग्जाम्पल इसका है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है ये इस तरह से मूव करती है, जिगजैग मूव करती है। जिगजैग का मतलब ये है कि ये बीमारी फादर से डायरेक्ट सन में नहीं आएगी, बल्कि इस तरह से आएगी, फादर मदर इन दोनों से एक सन होगा और एक डॉटर होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको सर बना लेता हूँ, ये रहा फादर एंड मदर से सन और डॉटर हुआ। जो बीमारी का जीन है वो फादर से, लेट्स सपोज फादर जो है वो कलर ब्लाइंड पेशेंट है, तो फादर से डायरेक्ट ये बीमारी सन में नहीं आएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको समझाने के लिए कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो है वो फादर से सन में कभी भी डायरेक्ट नहीं आता, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जिगजैग। अगर ये बीमारी का जीन डायरेक्ट फादर से सन में आता तो हम लोग जिगजैग नहीं बोलते हैं, चूंकि अब ये पहले ये जीन फादर से डॉटर में आएगी, फादर से डॉटर में आएगी, ये जीन की खासियत है, राइट। कैसे आएगा मैं आपको उधर प्रूफ भी दे दूंगा, राइट, वहां पर आप प्रूफ दे देंगे। पहले देखिए फादर से किस में आएगा, डॉटर में, इस डॉटर की जब शादी हो जाए, फिर उनसे जब बच्चा हो जाए तो उस बच्चे में उनके जो सन होगा, यानी ये जो है ये इसका क्या लगता है, यस इसका ग्रैंड सन है, ये इसके लिए ग्रैंड फादर है, तो ये उसके ग्रैंड सन में जो है वो बीमारी का जीन आ जाएगा। सो डायरेक्ट सन में नहीं आएगा बीमारी का जीन, बल्कि डॉटर के थ्रू उसके ग्रैंड सन में चला जाएगा। प्रूफ आपको दिखा देते हैं, आइए इधर एक प्रूफ है, इसको हम लोगों ने केस का नाम दे, केस नंबर वन। बट वो केस समझाने से पहले मैंने आपके लिए एक ये डायग्राम लिखा हुआ है कि फीमेल के लिए थ्री कंडीशंस हो सकते हैं। नंबर वन, नॉर्मल कब होगी फीमेल, अगर दोनों दोनों जीन क्या हो, कैपिटल सी और कैपिटल सी हो, दोनों जीन क्या हो, कैपिटल सी हो, तब ये फीमेल क्या होगी, नॉर्मल होगी, क्योंकि ये जीन भी नॉर्मल जीन है, ये भी नॉर्मल जीन है। अगर ये भी स्मॉल आ जाए, वो भी स्मॉल आ जाए, दोनों जब रेसेसिव आ जाए तो फिर बीमारी शो करेगी। रेसेसिव ट्रेट का मतलब ही यही है कि ये बीमारी तभी शो करेगी जब जीन किस हालत में होगा, रेसेसिव फॉर्म में होगा। मैं रिपीट करता हूं, रेसेसिव ट्रेट का मतलब क्या है कि ये बीमारी तब भी नजर आएगी जब इसके जीन किस शक्ल में होंगे, रिसेसिव फॉर्म में होंगे। सो यहां पर तो दोनों कैपिटल सी है, लिहाजा ये फीमेल क्या होगी, ये नॉर्मल होगी। अब कलर ब्लाइंड फीमेल क्या होगी, अगर उसमें एक स्मॉल सी होगा यानी रिसेसिव जीन होगा, दूसरा भी रिसेसिव होगा। मैं रिपीट करूंगा, जिस जीन को आप स्मॉल एबीसी में लिखोगे दैट इज कॉल्ड रिसेसिव जीन, जिसको आप बड़े एबीसी में लिखोगे दैट इज कॉल्ड इज डोमिनेंट जीन। ये बीमारी तभी नजर आएगी जब इसके दोनों जीन किस शक्ल में होंगे, रिसेसिव फॉर्म में होंगे। तो ये वाला जो फीमेल होगी ये हमारे पास क्या होगी, कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। अब चूंकि फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम है तो ये जीन दोनों एक्स क्रोमोसोम पर पड़ा रहेगा। एक और कंडीशन भी हो सकता है, वो कंडीशन ये है कि अगर एक क्रोमोसोम पर कैपिटल सी आ जाए, दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल सी आ जाए, तो आप जरा देखिए कि ये किसका जीन है, नॉर्मल, और ये किस चीज का जीन है, कलर ब्लाइंड का जीन है। तो ये वाला जो शख्स है ये कलर ब्लाइंड नहीं होगा, इसके लिए एक लफ्ज यूज करेंगे हम लोग, कैरियर, बीमार नहीं है लेकिन जीन को क्या करता है, अपने साथ कैरी करता है, अपने औलाद में जाके बाद में इसको कैरी करेगा। सो इस तरह का फीमेल कभी भी कलर ब्लाइंड का पेशेंट नहीं होगी, शी इज कॉल्ड एज कैरियर। तो फीमेल के लिए कितने कंडीशन आ गए, तीन, पहला, दूसरा, तीसरा कैरियर हो सकता है, ठीक है। अब मेल की तरफ आ जाते हैं,
मेल में चूंकि एक्स एंड वाई है, और आप लोग इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं, एक्स लिंक्ड बीमारी पढ़ रहे हैं, तो उसका तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर होगा। सो एक्स क्रोमोसोम पर जो है दो कंडीशन है, या तो वो जीन जो है डोमिनेंट फॉर्म में आ जाए कैपिटल सी, तो क्या होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और अगर ये रिसेसिव फॉर्म में ये जीन आ जाए, ये जीन अगर ये रिसेसिव फॉर्म में आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल सी, तो फिर ये कलर ब्लाइंड होगा। मेल के लिए सिर्फ दो चांसेस है, या तो वो नॉर्मल होगा या कलर ब्लाइंड होगा, फीमेल के लिए 3 चांसेस है। अब मैंने ऊपर एक और चीज भी लिखा हुआ है, मोर चांसेस फॉर मेल देन फीमेल। ये जो बीमारी आप लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कलर ब्लाइंड या एक्स लिंक्ड बीमारी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के बारे में कहा जा रहा है कि ये मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होते हैं। इसकी वजह क्या है, इस क्या रीजन है, क्यों फीमेल में कम है, हालांकि वाकई में मर्द ज्यादा इसमें बीमारी में मुबतला है, फीमेल बहुत कम। वजह यह है कि फीमेल को बीमार करने के लिए दोनों एक्स पे स्मॉल सी का आना लाजमी है, जबकि मेल को बीमार बनाने के लिए सिर्फ एक एक्स पर स्मॉल सी आएगा। सो जरा आप सोचिए, एक एक्स पे स्मॉल सी का आना ज्यादा आसान है या दोनों एक्स पे स्मॉल सी का आना, ये ज्यादा इजी है, इट इज मोर इजियर एज कंपेयर टू दिस वन। मेल में एक ही एक्स पर अगर एक स्मॉल सी आ जाए, एक स्मॉल सी का जीन आ जाए, मेल बीमार, लेकिन फीमेल में एक स्मॉल सी के आने से वो बीमार नहीं हुएगी। लेट सपोज यहां पर एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी है, एक स्मॉल सी यानी एक कलर ब्लाइंड का जीन आने से फीमेल बीमार नहीं होगी, फीमेल को बीमार करने के लिए दो कलर ब्लाइंड का जीन आना चाहिए, लेकिन मेल एक कलर ब्लाइंड के जीन से बीमार हो जाएगी। इसीलिए चांसेस ज्यादा होते हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए चांसेस कम होते कि वो बीमार हो जाए। सो ये नक्शा आपने देख लिया, अब आ जाओ वहां पर केस की तरफ आ जाते हैं। केस में क्या है, कलर ब्लाइंड मेल की शादी करते हैं नॉर्मल फीमेल के साथ, ओ व्हाट विल हैपन उनके बच्चों में क्या होगा। सो पहले मुझे बताओ, कलर ब्लाइंड ये चूंकि मेल है तो मेल के लिए मैं क्या लिखूंगा, एक्स एंड एक्स एंड वाई, राइट, और फीमेल के लिए क्या लिखेंगे, एक्स एक्स लिखेंगे। अच्छा, ये कलर ब्लाइंड मेल है तो कलर ब्लाइंड मेल के लिए क्या करना होगा, स्मॉल सी, एक्स के ऊपर क्या लिखना होगा, स्मॉल सी लिखना होगा। ये चूंकि नॉर्मल फीमेल है तो इसके ऊपर एक्स के ऊपर क्या लिखूं, कैपिटल सी, और दूसरे एक्स पर भी कैपिटल सी लिखा है, ये है राइट। अब हम इसको जो है क्रॉस करते हैं, ये गेमीट बनेगी सबसे पहले, राइट, एक गेमीट बनेगा और यहां पर एक और गेमीट बनेगा, सही है, फादर में तो पहले गेमीट बनेंगे ना। एक जो जीन है यहां पर या जो ये क्रोमोसोम है ये इस गेमीट में आएगा, राइट, दूसरा क्रोमोसोम यहां पर आ जाएगा, राइट, ऐसा ही है ना। सो आपको पता है कि गेमीट फॉर्मेशन में क्रोमोसोम का जोड़ा एक दूसरे से अलग हो जाता है, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी मैंने पढ़ाया है कि क्रोमोसोम जब गेमीट बनते हैं तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सो यहाँ पर भी क्या बन रहे हैं, गेमीट बन रहे हैं। सो ये मैं लिख रहा हूँ, भाई बच्चे बनने के लिए सबसे पहले गेमीट का होना लाजमी है कि नहीं, सबसे पहले गेमीट बनेंगे तो ये फादर के गेमीट है और यहाँ पर मदर के गेमीट बनेंगे। तो गेमीट में क्या होगा, एक क्रोमोसोम एक गेमीट में आएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गेमीट में आएगा। जाहिर है कि ये जो एक्स स्मॉल सी है ये इस गेमीट में आएगा और ये वाई है, उसको तो कोई जीन है ही नहीं। इसी तरह ये कैपिटल, अच्छा मैं ये डायरी जो है बिठा रहा हूँ, दिस इज कैपिटल सी एंड दिस इज अगेन कैपिटल सी, इनके गेमीट है। अब इनको हम आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने का तरीका बहुत आसान है, इनको आपस में क्रॉस करना है। इसको आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके
इसके साथ मिलाएं तो ये बनेगा आपके लिए, क्या बनेगा, वापस मिल जाएंगे अभी गिमीट। ये फादर का गिमीट है और ये मदर का गिमीट है, तो ये बनेगा एक्स, और ये भी क्या है, एक्स। दोनों से, फादर से भी एक्स आया, मदर से भी अगर एक्स आया तो ये तो डॉटर बनेगी, लेकिन इस पर कौन सा जीन होगा, स्मॉल सी, और इस पर क्या होगा, शाबाश है, कैपिटल सी होगा, राइट। अब आपने करना क्या है कि इसी गेमिट को इसके साथ भी आप लोग फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, चांसेस है, ये गेमिट इसके साथ भी आ सकता है, तो चांसेस है। हम लोग क्या करेंगे, ये आया भाई ऐसा, आपने इसके साथ भी कंबाइन किया, तो अब क्या बनेगा, एक तो चलो एक्स है और दूसरा क्या है, वो भी एक्स है, दोनों एक्स एक्स आ गए। इस एक्स के ऊपर कौन सा जीन है, स्मॉल सी का जीन है, और इस एक्स ऊपर, राइट, ये आ गया। एक गेमीट की बारी ख़त्म हो गई, अब आपने इस गेमीट को जो है स्टार्ट करना है इसी तरह जैसे आपने दूसरे को किया था। सो उसके लिए आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा के, हैं जी, सीधा जाकर इसके साथ मिलेंगे, तो ये क्या बनेगा, एक्स एंड वाई। तो फादर से क्या आएगा, y आएगा, मदर से क्या आएगा, x आएगा। सो ये मदर, ये x कहाँ से है, ये मदर से आया हुआ है, और ये y फादर से आया हुआ है। तो फादर से जो y आया हुआ है उसके ऊपर तो वो जीन नहीं है कलर ब्लाइंड का, लेकिन जो मदर से x आया हुआ है उसके ऊपर क्या है, कैपिटल C का जीन मौजूद है। इसी तरह हम लोग फिर क्या करेंगे, इसी गेमिट को मिलाएंगे दूसरे गेमिट के साथ, फिर से फादर से क्या आएगा, वाई आएगा, मदर से क्या आएगा, एक्स आएगा। जब मदर से एक्स आएगा, फादर से वाई आएगा, तो एक्स के ऊपर क्या होगा, कैपिटल सी। अब ये दो क्या है, बेटियां हैं, यस बेटियां हैं, और ये दो क्या है, सन है, बेटे हैं। सो मुझे बताओ ये कौन सा, ये क्या है, दोनों कैरियर, कैरियर डॉटर है, गुड। ये क्या है, और ये फादर क्या है, उसका कोई दो बेटों में से कोई एक बेटा कलर ब्लाइंड हुआ, नहीं हुआ। फादर से कलर ब्लाइंड की बीमारी कभी भी डायरेक्ट अपने सन में नहीं जाएगी, फादर से कलर ब्लाइंड का जीन सबसे पहले डॉटर में आएगा। ये वाला जीन जो आप देख रहे हैं, ये पहले डॉटर में है। अब लेट सपोज हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कोई एक डॉटर है, इसमें से कोई एक डॉटर है, एक्स एक्स, राइट, ये डॉटर है, इसकी शादी करते हैं किसी नॉर्मल मेल के साथ, राइट, नॉर्मल मेल के साथ। सो नॉर्मल मेल के हम किस तरह लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, राइट, नॉर्मल मेल के साथ, और यहां पर जो है उस नॉर्मल मेल के एक्स को कैपिटल सी लिखेंगे। ये है उस फादर की जो बेटी है, वन इज कैपिटल सी, अदर इज स्मॉल सी, शी इज कैरियर, राइट। सो अब आप जरा चेक कर ले, मैं बार बार फिर से वही नक्शा नहीं लिख सकता, पहले गेमिट बनेंगे, डायरेक्ट आपके लिए मैं सॉल्व कर दूंगा। इसको आप मिलाएंगे इस एक्स के साथ तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, हाँ जी, और इस एक्स के ऊपर कौन सा जीन लिख दूं, बताइए, कैपिटल सी, और इस एक्स के ऊपर भी, अच्छा जनाब ठीक है, कैपिटल सी लिखा। फिर इसी एक्स को हम लोग वाई के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स आएगा मदर से, वाई आएगा फादर से। एक्स के ऊपर कौन सा जीन है, कैपिटल सी का जीन है। चले जनाब ये हो गया, अब आप क्या करोगे, इस एक्स को आप इस एक्स के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक्स फादर से भी आया, एक्स मदर से भी आया। सो जीन क्या करेंगे, एक एक्स पर क्या लिखूं, स्मॉल सी, दूसरे एक्स पर कैपिटल सी। अब इसी एक्स को वाई के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। ये एक्स कहां से आया, मदर से, और ये वाई फादर से। मदर से जो कौन सा एक्स आया हुआ है, स्मॉल सी, एंड वाई के ऊपर तो जीन है ही नहीं। अब मुझे बताओ ये दो क्या है, ये दोनों
डॉटर है? नहीं, एक्स एक्स है और ये एक्स वाई है, ये डॉटर है डी, और ये क्या है? सन है एस, ये क्या है? डॉटर है डी, और ये क्या है? सन एस। बताओ मुझे कि इसमें कोई कलर ब्लाइंड बच्चा है? ये है कलर ब्लाइंड बच्चा, ये बच्चा जो है इस फादर का ग्रैंडसन लगता है, तो फादर का जो जीन था कलर ब्लाइंड का वो ग्रैंडसन में आया। अब ये जो बेटी है ये अभी भी क्या है? कैरियर है। ये बच्चा नॉर्मल है, ये बच्चा भी नॉर्मल है। अच्छा, टोटल औलाद चार है, चार औलाद को अगर आप लोग बनाओ कि भाई चार के चार औलाद जो है वो सारे के सारे औलाद जो है वो कितने हैं? 100% है औलाद जो है सारे के सारे 100% है। 100% औलाद में से कितने बच्चों में ये बीमारी आ गई? हाँ जी, 25। गुड, क्योंकि अगर चार बच्चे हैं तो 100% को चार पे डिवाइड करें, 25% इसमें अगर आप देखें, ये 25% नॉर्मल है, ये 25% नॉर्मल है, ये 25% नॉर्मल है, 75% यहाँ पर नॉर्मल है। बच्चों में से कितना? 75% बच्चे क्या है? नॉर्मल है। 75% बच्चे जो है नॉर्मल है। कितने बच्चे बीमार है? 25% जो है वो कलर ब्लाइंड के पेशेंट है। 25% भी आप लोग लिख सकते हैं। चार बच्चों में से एक बच्चा कलर ब्लाइंड है और बाकी तीन बच्चे जो है वो नॉर्मल है। अच्छा, इसी तरह से आप लोग ये भी बता सकते हैं इस केस में कि कोई कैरियर है इसमें? दैट डॉटर इज नॉर्मल। क्यों नॉर्मल है? दोनों कैपिटल सी कैपिटल सी है। ये सन तो सन में तो ठीक है, नॉर्मल है। ये डॉटर क्या है? शी इज कैरियर। सो इसके कितनी बेटियां हैं टोटल? दो बेटियां हैं। दो बेटियों में से एक बेटी कैरियर है, दूसरी बेटी जो है वो नॉर्मल है। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप बेटियों पे लाए परसेंटेज को, औलाद को छोड़कर आप परसेंटेज कहां पर लाए? बेटियों पर लाए, तो हम कहते हैं कि टोटल बेटियां 100% है, डॉटर्स आर 100%। तो 100% में से एक डॉटर जो है वो कैरियर है, दूसरा नॉर्मल है, तो हम कहेंगे इस केस में, डॉटर के केस में 50% डॉटर जो है वो नॉर्मल है और 50% जो है वो कैरियर है। मतलब अगर आप परसेंटेज को सिर्फ डॉटर पे ले आओगे तो फिर क्या होगा? 50% डॉटर जो है वो कैरियर है, 50% डॉटर जो है वो क्या है? वो नॉर्मल है। तो बहरहाल ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो परसेंटेज था। परसेंटेज शायद आपकी बुक में इसका जिक्र नहीं है, ये सेकेंड ईयर में है, लेकिन मैंने आपको भी बता दिया, आपकी दिलचस्पी के लिए बता दिया, ठीक है। परसेंटेज आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ इतना देखा कि किस तरह से वो जीन जो है माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। आपके लिए मैं एक केस बना लूँगा, घर जाकर आप लोग जो है उसको फिर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इस तरह से है कि ये मैं मिटाना चाहता हूँ। आई अच्छा, चलो इस तरफ करते, ठीक है। एक केस है, आप लोगों के पास एक कैरियर डॉटर है या कैरियर फीमेल है, सही है? कैरियर फीमेल है, उसकी जो है मैरिज होती है एक कलर ब्लाइंड मेल के साथ, सही है? तो ये फादर भी कलर ब्लाइंड है, मदर जो है कैरियर है। आप घर जाकर पता लगाओ, चेक करो कितने बच्चे जो है वो कलर ब्लाइंड है, कितने बच्चे कैरियर है, कितने नॉर्मल है, और ये घर जाकर आप लोग फिर मेरे लिए ले आओगे, सही है? ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड वीडियो।